हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फ्री टू ट्रैवल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको जो न्यूजीलैंड का वीज़ा निकला है फिर से और उनकी क्या प्रोफाइल है, ये प्रोफाइल इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देख लेना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने नहीं किया है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको बता दूँ ये जॉब प्रोफाइल है जिनका ये वीज़ा निकला है। इन जॉब करते हैं ये और अकाउंट में इनके 6 लाख प्लस पैसे पड़े थे सेविंग्स अकाउंट में और इनके NOC सैलरी स्लिप लगाई थी, 6 स्लिप लगाई थी, NOC लगाई थी और FD लगाई थी, 2.5 लाख की FD थी वो लगाई थी, उसकी फ़ोटोकॉपी और क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट लगाई थी। इसके अलावा इनके नाम पर एक प्लॉट था, उसकी भी एक ट्रांसलेशन करके वो अपलोड की थी। और बाकी इनके जो वीज़े थे, 3-4 वीज़े लगे थे इनके, उसकी भी फ़ोटोकॉपी अपलोड की थी। तो ये इनका जॉब प्रोफाइल था, मैंने आपको सारी चीज़ 1 मिनट के अंदर बता दी। तो ये इनका पूरा कंप्लीट प्रोफाइल था जिसके यहाँ पर इनका वीज़ा निकला है। बाकी जो 3-4 कंट्री इन्होंने ट्रैवल की थी वो फ्रेंड्स ये एशियन कंट्री थी, जैसे पिछला वीज़ा भी निकला था वो भी एशियन कंट्री पे निकला था। हालांकि वो रशिया भी ट्रैवल थे, बिजनेस प्रोफाइल था उनका, उनका न्यूजीलैंड का वीज़ा आया था तो उनका रशिया का भी ट्रैवल था। तो फिलहाल इनका तो खैर एशियन कंट्रीज़ का ही ट्रैवल था, तो ये वीज़ा आ चुका है इनका और 1 साल का वीज़ा ही 2 अप्रैल को अप्लाई किया गया था और 12 मई को कल इनका अप्रूव हुआ है। तो फ्रेंड्स, काफ़ी सारे लोग कह रहे थे यार वीज़ा तो आ जाता है या आ रहा है, कई लोगों के नहीं भी आए हैं। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि सबके आ रहे हैं, कई लोगों के नहीं भी आए हैं। खैर चलो, जिनके आए हैं मोस्टली आ रहे हैं। बाकी फ्रेंड्स, अगर आपका प्रोफाइल अच्छा है तो आप भी न्यूजीलैंड का वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। कुछ लोग कह रहे थे कि न्यूजीलैंड का वीज़ा मिल जाता है और बट ये है कि वहाँ पर एंट्री नहीं मिल रही, ये दिक्कतें हो रही हैं काफ़ी। तो आपको मैं एक चीज़ बता दूँ भाई, अब न्यूजीलैंड में अगर आप जाते हो वहाँ पर, अगर आपने अपनी टूर आइटनरी वगैरह में बताया या अगर आपने वो टूर आइटनरी नहीं लगाई है, तो इस वीज़े में भी टूर आइटनरी नहीं लगाई थी और आपका होटल बुकिंग लगाई थी, डमी टिकट लगा, इसमें टूर आइटनरी नहीं लगी थी। तो टूर आपको मैं बता दूँ, अगर आप न्यूजीलैंड में जा रहे हो तो भाई मैं इतना ही आपको थोड़ा सा सजेशन दूंगा, बाकी देखो आपने ही फेस करना है सारा इमिग्रेशन अगर आप किसी कंट्री में जाते हो। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखो, एक तो आप अपना बॉडी लैंग्वेज ठीक रखो, दूसरा सेकंड नंबर पे आप अपना जो जिस जगह पे आप घूमने जा रहे हो, वाकई अगर आप जेन्युइन ट्रैवलर हो तो आप अपना बताओ कि भाई आपको कहाँ कहाँ घूमना है, आप उन जगहों के नाम याद रखो, टूरिस्ट प्लेसेस जो अट्रैक्शन हैं उन जगहों के नाम याद रखो कि आपने इन जगहों पर घूमने जाना है। तो वो उन चीज़ों को उन जगहों को ना उन जगहों के नाम याद रखो और बाकी आपकी कन्फर्म्ड आप टिकट आपके पास हो, होटल बुकिंग भी आप कन्फर्म्ड ले लो, मतलब पेयर प्रॉपर्टी चाहे ले लो बट कन्फर्म्ड हो आपकी वो, तो कन्फर्म चलो booking.com या दूसरी साइटों पर मिल जाएगी आपको। एक आध आप पेड भी ले सकते हो, हॉस्टल सस्ते आते तो हॉस्टल आपको मिल जाएंगे। बाकी आप अपनी जो भी आप जा रहे हो उस पर पूरे क्लियर होने चाहिए, आप उनको अच्छे तरीके से आप कन्विंस कर पाओ कि भाई मैं तो सिर्फ जस्ट घूमने ही आया हूँ और मेरा कोई पर्पस नहीं है यहाँ पे स्टे करने का, ये मेरा पर्पस जो मैं घूमने के लिए सिर्फ आया हूँ। छोटी ट्रिप रखो 5-7 दिनों के लिए, एक अगर सिटी में आपने बताई तो उसी सिटी में चले जाओ, तो उस सिटी में जैसे वेलिंगटन या ऑकलैंड में अगर आपने प्रोग्राम बनाया जाने का घूमने का, अगर आपका वीज़ा आया हुआ है तो एक ही सिटी में उसी सिटी में आप जाओ जिसमें आपने जब आपने वीज़ा अप्लाई किया था और आपने एक ही सिटी का बताया था कि एक ही सिटी में आप जैसे डमी टिकट बनाते हैं, अगर आपने लगाई, अगर आपने कुछ नहीं लगाया होटल बुकिंग डमी टिकट और टूर नहीं लगाई है, फिर आप जो है फिर भी मैं यही कहूँगा कि फिर जो है आप ये एक ही सिटी का दिखाओ, ऑकलैंड या कोई भी, ऑकलैंड वैसे बेटर रहेगा, तो उसमें 4-5-6 दिन का आप ट्रैवल दिखा दो कि भाई 4-5 दिन पहले मैं आया हूँ और इन इन जगहों पर मैं घूमने आया हूँ। बाकी देखो इमिग्रेशन का कुछ पता नहीं होता, आप अपने तरफ से पूरे क्लियर होने चाहिए और अगर आप वाकई जेन्युइन ट्रैवलर हो घूमने जा रहे हो तो यही मैं आपको एक टिप दे सकता हूँ। बाकी भाई आप ज़्यादा समझदार हो, आपको आप अगर घूमते हो तो आपको पता होगा कैसे क्या बात करनी है। बाकी वीज़ा के लिए मैं आपको अगर किसी तरीके की हेल्प चाहिए तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो और बाकी इस वीडियो में मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, तो आप भी अपना वीज़ा ये सारी टिप्स लेके अपना ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगा के अप्लाई कर सकते हो, खुद अप्लाई कर सकते हो, वीज़े इस समय मिल रहे हैं नो डाउट। और न्यूजीलैंड के वीज़े पर भी काफ़ी जगह पर आप घूमने भी जा सकते हो, ऑन अराइवल वीज़ा भी ले सकते हो, तो उसका भी फ़ायदा आपको मिलेगा न्यूजीलैंड के वीज़े पर। तो फ्रेंड्स, आई होप ये सारी वीडियो आपको हेल्प करेगी आपके वीज़ा दिलवाने में और अगर आप चाह रहे हो कि इमिग्रेशन में भी आपको शायद थोड़ी हेल्प करे, बाकी आप समझदार। बाकी फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मैं तब तक के लिए सस्ता हूँ।